डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एन बी एस पब्लिक स्कूल इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी के आगे हम अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं तो so, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या था तो प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया था ठीक है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप हैं पांच टाइप के होते हैं उन्हीं की फ़ोटो ये पड़ी हुई है अगर आपको ये सब नया लग रहा है तो आप एक बार पिछली क्लास फिर से देख लीजिए ठीक है हैवी टाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमसे कैसे रिलेटेड हैं वो भी हमने देखा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा ठीक है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड यानी दही और ब्रेड बनाने के बारे में भी हमने पढ़ा उसके बाद हमने कॉमर्शियल यूज़ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ लिया है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के व्यावसायिक उपयोग क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं तो हमारी आज की क्लास बेसिकली शुरू होती है मेडिसिनल यूज़ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से ठीक है तो कॉमर्शियल यूज़ के बाद मेडिसिनल यूज़ क्या है यानी कि दवाइयों के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के क्या क्या उपयोग होते हैं ठीक है चलिए सम बैक्टीरिया एंड फनजाई आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स आपने अक्सर जब आप बीमार हुए होंगे तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो कुछ दवाइयाँ लिखता है उनमें से कुछ कैसी रहती हैं एंटीबायोटिक रहती हैं वो एंटीबायोटिक कैसे बनती हैं उनको बनाने में कुछ बैक्टीरिया या कुछ फंगस का इस्तेमाल हो सकता है दीस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये एंटीबायोटिक्स करती क्या हैं दीज मेडिसिन ये दवाइयाँ क्या करती हैं किल मार देती हैं या इस्टॉप द ग्रोथ या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं किसकी ग्रोथ को रोक देती हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव बीमारियों का कारण है उनको या तो मार देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है किस कौन रोक देती है एंटीबायोटिक्स रोक देती हैं ठीक है सम ऑफ़ द कॉमनली यूज एंटो मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया आर पेंसिलिन ऑप्टेन फ्रॉम फंगस पेंसिलियम ठीक है सम ऑफ द कॉमन यानी कुछ जो कॉमनली यूज होती हैं प्रमुखता से यूज़ होती हैं एंटीबायोटिक्स मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया वो किससे बनती हैं बैक्टीरिया और फंगस से वो क्या है पेंसीलिन है पेंसिलिन एक कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स है और वो कहाँ से प्राप्त होती है ऑप्टेन फ्रॉम फंगस पेंसिलियम फंगस पेंसिलियम से वो प्राप्त होती है ठीक है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन ये दोनों भी क्या हैं कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं ठीक है बोथ ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइस बैक्टीरियल दोनों ही यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये कहाँ से प्राप्त होती हैं इस्ट्रेप्टोमाइकस बैक्टीरिया से ठीक है द एंटी बायोटिक्स आर मैनुफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग इस्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ नंबर ऑफ डिजीज एंटीबायोटिक्स आर मैनुफैक्चर्ड बनाई जाती हैं बाई ग्रोइंग यानी उगाते हुए क्या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी कुछ प्रमुख सूक्ष्म जीवों को उगा के एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं एंड आर यूज़ और उनका इस्तेमाल होता है किस लिए टू क्योर अ नंबर ऑफ डिज़ीज़ एक बहुत सारी बीमारियों का क्योर करने के लिए बीमारियों को ठीक करने के लिए उन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है ठीक है आइए आगे, आगे देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस इवन इन एनिमल्स अब जानवरों में भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी एंटीबायोटिक लगती है दे आर ऑल्सो मिक्सड विद लाइव स्टॉक फीड टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स उनको चारे में भी मिलाया जाता है ताकि क्या हो इन्फेक्शन को चेक किया जा सके दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज बहुत सारी पौधों की बीमारियों को दूर करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो देख रहे हैं आप एंटीबायोटिक्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है और एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिलती हैं सूक्ष्म जीवों से रिमेंबर टू टेक एंटीबायोटिक्स ओनली ऑन द एडवाइज ऑफ़ ए क्वालिफाइड डॉक्टर अब एंटीबायोटिक्स का इतना यूज़ तो है लेकिन उनको अपने मन से नहीं लेना चाहिए उनको केवल एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर यानी कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर पढ़े लिखे डॉक्टर की सलाह पर ही उनको लेना चाहिए किसे एंटीबायोटिक्स को डू नाट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स वन नॉट नीडेड जब ज़रूरत नहीं हो तो एंटीबायोटिक्स को हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए ठीक है एज दे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑन इन आवर बॉडी अगर हम बिना मतलब के ही एंटीबायोटिक्स खाने लगेंगे तो क्या होगा वो जो हमारे शरीर के अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया रहते हैं जिनसे हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचता है उसे भी वो एंटीबायोटिक मार देंगे ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं ये फैक्ट्स टू नो क्या है द फर्स्ट एंटीबायोटिक बायोटिक पेंसिलिन वज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 जो पहली एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी पेंसिलिन वज डिस्कवर्ड खोजी गई थी किसके द्वारा अलेक्ज़ेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कब 1929 में From द मोल्ड पेंसीलियम नोटेटम मोल्ड का मतलब होता है From द मोल्ड पेंसीलियम नोटेटम इट इज़ यूज टू क्योर मैनी माइक्रोबिक डिजीज ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में आज भी इस्तेमाल की जाती है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं वैक्सीन वैक्सीन का मतलब होता है दवाइयाँ वेन आ डिज़ीज कॉजिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ जब एक बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब यानि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो हमारी शरीर यानि आवर बॉडी प्रोड्यूसेस हमारे शरीर क्या करती है एंटीबॉडीज़ बना लेती है ठीक है दीज एंटीबॉडीज़ फाइट एंड डिस्ट्रॉय द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंड रिमेन इन बॉडी टू फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन बाई द सेम माइक्रोब अब जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर ने बनाई थी उस सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए दीज एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडी फाइट एंड डिस्ट्रॉय द डिज़ीज़ वो उस बीमारी से लड़ती है और उसे ख़त्म कर देती है इससे कॉजिंग माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव उस बीमारी को पैदा कर रहे थे उनसे लड़ती है उन्हें ख़त्म कर देती है एंड रिमेन इन द बॉडी और हमारे शरीर में ही रहती है क्या एंटीबॉडीज़ जो हमारी शरीर बनाई थी एक बार अब वो हमारे शरीर में ही रहेगी किस लिए रहेगी टू फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन बाई द सेम माइक्रोब अगर वही माइक्रोब वही सूक्ष्म जीव फिर से हमारे शरीर पर अटैक करेगा तो हमारे शरीर को फिर एंटीबॉडी नहीं बनानी पड़ेगी जो पहले से बनी थी वो हमारे शरीर में अब रहेगी ठीक है अब वैक्सीन इज प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड और किल्ड डिजीज काजिंग माइक्रोब्स अ वैक्सीन इज प्रिप्रेशन ऑफ अ वीकेंड और किल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स नीडेड टू इम्यूनाइज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज अब वैक्सीन क्या होती है ठीक है अब वैक्सीन एक वैक्सीन क्या होती है अब वैक्सीन इज अ पिप्रेशन ऑफ वीकेंड और किल्ड माइक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एक वैक्सीन जो होती है वो कुछ और नहीं होती है बल्कि माइक्रोब भी होती है यानी सूक्ष्म जीव होती है वो कैसे सूक्ष्म जीव होते हैं वो या तो कमज़ोर होते हैं वीकेंड और किल्ड या मरे हुए सूक्ष्म जीव से ही वैक्सीन बनाई जाती है और वो कैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं ठीक है नीडेड टू इम्यून किस लिए ताकि हमें इम्यूनाइज़ कर सके अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़ किसी बीमारी से बचाव के लिए ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ का टीका लगना है तो वो टीका उसी चीज़ से लगता है जिससे वो बीमारी होने वाली रहती है जिससे हमारा शरीर क्या कर ले एक बार एंटीबॉडी बना ले और एक बार एंटीबॉडी अगर शरीर ने बना लिया तो फिर कभी दोबारा बीमारी होगी तो वो उससे आराम से लड़ सकेगा चलिए सेवरल डिजीज लाइक कॉलरा ट्यूबर क्लोसिस स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीन कई सारी बीमारियाँ क्या होती हैं जैसे कॉलरा टीबी, स्मॉल पॉक्स हेपेटाइटिस ये सारी प्रिवेंट की जा सकती हैं यानी कि इनसे बचा जा सकता है किस चीज़ से वैक्सीनेशन से यानी अगर हमने बीमार होने से पहले ही वैक्सीन लगवा लिया तो हमें न कॉलरा होगा न टीबी होगा ना स्मॉल पॉक्स होगा इस तरह की बीमारियों से हम क्या होंगे बच जाएंगे चिल्ड्रेन मस्ट बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट दीज डिजीज एज अप्रोप्रियट एजेस चिल्ड्रेंस यानी बच्चों को मस्ट भी वैक्सीनेटेड बच्चों को जरूर वैक्सीन लगाई जाती है अगेंस्ट डीज डिजीज इन बीमारियों के खिलाफ ताकि एट अप्रोप्रिएट एज यानी एक उपयुक्त एज पर बच्चों को सारी वैक्सीन लगाई जा सकती है ताकि वो इन बीमारियों से बचे रहें ठीक है द वैक्सीन्स द वैक्सीन्स आर इज़िली एवेलेबल इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर अब यह वैक्सीन ऐसा नहीं कि बहुत ढूँढने के बाद मिलेगी ये इज़िली एवेलेबल है आसानी से मिल जाती है कहाँ पर हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर में पोलियो ड्राप्स गिवन टू तो चिल्ड्रेन इज़ एक्चुअली अ वैक्सीन आपने देखा होगा कि पोलियो ड्राप पिलाया जाता है ना तो वो क्या होता है वो एक वैक्सीन ही है ताकि बच्चों को कभी पोलियो ना हो ठीक चलिए आगे देखते हैं डू यू नो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स अब एक व्यक्ति थे एडवर्ड जीनर उन्होंने क्या किया था डिस्कवर्ड खोज की थी फर्स्ट वैक्सीन पहली वैक्सीन की अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ स्मॉल पॉक्स हैज नाउ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अब जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी है वो हैज़ बीन इरेडिकेटेड यानी उसको दूर कर दिया गया है उसको हटा दिया गया है फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के लगभग सारी जगहों से क्या है स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी को हटा दिया गया है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी अब माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल जमीन की जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज Like bacteria and the blue-green algae convert the nitrogen present in air as nitrogenous compound in the soil. Certain microbes, yani kuch jeev kuch सूचम jeev like bacteria, yani ki bacteria and blue-green algae kya karte hain Convert nitrogen present in the air, जो हवा में nitrogen present है, उसको किस चीज में convert कर देते हैं nitrogenous compound में. इन द दॉयल यानी उसको मिट्टी में मिला देते हैं देयर बाई इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और इस तरह क्या करते हैं वो मिट्टी की उत्पादकता बढ़ा देते हैं द ब्लू ग्रीन एलगी आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर ब्लू ग्रीन एलगी को कॉमनली यानी सामान्यतः क्या कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है अब ये देख लीजिए जी आप द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एलगी ये ब्लू ग्रीन एलगी की क्या है फोटो है ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं यानी जो हवा में प्रेजेंट है नाइट्रोजन उसको मिट्टी में मिलाते हैं जिससे मिट्टी से हमारे पेड़ पौधे आसानी से नाइट्रोजन ले सकें ठीक है आगे माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का क्या इस्तेमाल होता है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट यानी वातावरण को साफ करने में आज के समय देखिए वातावरण कितना दूषित हो गया है उसको साफ़ करने में हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर सकते हैं सम बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट ऑन द बॉडीज़ ऑफ डेड प्लांट्स यानी मरे हुए जो पेड़ पौधे और जानवर होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल हैं उनकी बॉडीज़ पे उनके मृत शरीर पे क्या करते हैं कुछ बैक्टीरिया और फंगस काम करते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस और उनको सिंपल सब्सटेंस सिंपल पदार्थों में तोड़ देते हैं ठीक है जैसे कि एक पेड़ जब टूटता है पत्ती टूटती है या पेड़ गिरता है तो वो सड़ता है उसके बाद वो क्या होता है वो सिंपल सब्सटेंस में यानी कार्बन में जिस चीज से वो मिल बना है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन सब से सब में क्या होता है टूट जाता है और ये काम कौन करता है बैक्टीरिया एंड फंगस द न्यूट्रिय रिलीज इन द प्रोसेस आर यूज बाई प्लांट्स अगेन अब इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट रिलीज़ हुआ जैसे नाइट्रोजन रिलीज हुआ या कार्बन रिलीज़ हुआ वो क्या करते हैं वो प्लांट जो दूसरे प्लांट रहते हैं वो फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं ठीक है रिमूवल ऑफ डेड बॉडीज़ बाई माइक्रोबियल एक्शन कीप्स आवर इन्वायरमेंट क्लीन। अब अगर सोचिए जो जानवर मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ ऐसे ही पड़ी रहे तो हमारा वातावरण कितना दूषित हो जाएगा हर तरफ़ एकदम गंदगी हो जाएगी उसको ही ये बैक्टीरिया और फंगस दूर करके क्या करते हैं हमारे वातावरण को साफ करते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया डिग्रेड एनिमल डंग इन टू बायोगैस एंड लेफ्ट ओवर इज़ यूज एज मेन्योर अब कुछ एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं यानी आवावी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं एनिमल डंग यानी जो जानवरों का गोबर होता है उसको बायोगैस में बदल देते हैं एंड लेफ्ट ओवर और जो बच जाता है बायोगैस बदलने के बाद वो क्या होता है एज मेन्योर इस्तेमाल होता है मेन्योर का मतलब प्राकृतिक खाद या देसी खाद जिसको कहा जाता है तो दो फायदा हो गया एक तो गोबर से हमारी गैस बन गई और क्या बन गया मेन्योर बन गया आगे देख लीजिए आगे क्या है रिमेंबर माइक्रोब्स रिमेंबर माइक्रोब्स कैन नॉट डिग्रेड पॉलीथीन ग्लास बॉटल्स अब माइक्रोब्स के इतने इस्तेमाल तो हैं लेकिन रिमेंबर याद रखिए हमें क्या याद रखना है कि माइक्रोब्स कैन नॉट डिग्रेड यानी माइक्रोब्स विघटित नहीं कर सकते हैं किसे पॉलीथीन को ग्लास को और जो इन सब से बनी बॉटल्स रहती हैं जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं उसके बाद वो बोतल इधर उधर फेंक देते हैं तो वो परमानेंट कचरा वहीं पड़ा रहता है उसको कोई भी माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर सकता है इसके अलावा हम जाते हैं जब सब्जियां लाने फिर पॉलीथीन ले आते हैं अपने घर में वो भी कभी डिग्रेड नहीं होती है इसलिए हमको प्लास्टिक के यूज़ से क्या करना चाहिए बचना चाहिए ताकि हमारा इन्वामेंट क्लीन हो सके अब ये तो बात हुई फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ऐसा नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्रेंडली ही होते हैं जैसे सारे इंसान अच्छे नहीं होते हैं अच्छे और बुरे इंसान होते हैं उसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं यानी सूक्ष्म जीव उनमें भी कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं तो अच्छे के बारे में हमने पढ़ लिया है अब क्या पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो हार्मफुल इन मैनी वेज तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो कई तरीके से नुकसान भी करते हैं क्या है दे कॉज डिजीज़ेज इन ह्यूमन बींग्स वो क्या करते हैं एक तो बीमारियां पैदा कर सकते हैं किसमें ह्यूमन बींग्स में, में यानी इंसानों में प्लांट्स में पौधों में एंड एनिमल्स में और जानवरों में यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इंसान पौधे जानवर किसी में भी बीमारी पैदा करने की क्षमता रखते हैं द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स और पैथोजेंस अब जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं डिजीज कोस कोजिंग ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड उनको कहा जाता है क्या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स या पैथोजेंस ये उनको कहा जाता है ठीक है चलिए सम कॉमन डिजीज़ कॉज बाय पैथोजेंस अब कुछ सामान्य बीमारियों के नाम दिए गए हैं जो पैथोजेंस से यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होती हैं ह्यूमन डिजीज ठीक इंसानों में होने वाली बीमारी क्या है कॉलरा है कॉलरा किससे होता है बैक्टीरिया से होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये फैलता कैसे है कॉलरा देखिए खाने या पानी से यानी दूषित खाने या दूषित पानी से गंदे पानी या गंदे खाने से हमें क्या हो सकता है कॉलरा हो सकता है मीजर क्या है इससे बचाव के उपाय क्या हैं मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस यानी कि मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस साफ सफाई का तो ट्यूबर यानी कि टीबी टीबी टी बी हमारी कैसे फैलती है टीबी भी होती है किससे बैक्टीरिया से और फैलती कैसे है एयर से यानी कि जब हम किसी और से बचाव के उपाय क्या हैं पहले देख लीजिए वैक्सीनेशन है एक तो हम लोग पहले से ही वैक्सीनेट हो जाएं पहले से ही इससे बचाव के उपाय कर लें आइसोलेट द पेशेंट यानी जो पेशेंट है उसको आइसोलेट करें जैसे आजकल देखिए कोविड नाइन्टीन बीमारी चल रही है ये कोरोना वायरस वाली जो बीमारी चल रही है इसमें क्या है लॉकडाउन चल रहा है ना तो लॉकडाउन का मेन उद्देश्य क्या है कि सारे लोग जो हैं वो अलग अलग रहें अपने अपने घरों में रहें और एक दूसरे से अलग अलग रहें उसी को क्या बोला जाता है आइसोलेशन वैसे ही टीबी के बैक्टीरिया से बचाव का उपाय क्या है आइसोलेट द पेशेंट यानी पेशेंट को अलग रखा जाए ठीक है जैसे कोविड नाइन्टीन हमारे आसपास फैल जाता है उसी तरह टीबी भी एयर से ही फैल जाता है इसी तरह मीजल्स वो वायरस से होता है और वो भी एयर से फैलता है इनसे बचाव का उपाय क्या है कीप द बिलॉगिंग्स ऑफ द पेशेंट सेपरेटली यानी जो मरीज है उसके जितनी बिलागिंग्स है उतनी उसकी सारी जितनी चीज़ें हैं उसको अलग रखा जाए तो कोरोना वायरस के कारण हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं इससे बचने का सबसे सही उपाय क्या है आइसोलेशन में रहें एक दूसरे के संपर्क में ना आएँ उसी तरह टीबी और मीजल से भी बचने का उपाय यही है कि ऐसे मरीज़ों के संपर्क में आने से बचा जाए चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स भी एक बीमारी है किससे फैलती है वायरस से मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन यानी इसके फैलने के तरीके क्या हैं एयर है और कांटेक्ट है यानी छूने से और हवा से पोलियो पोलियो भी वायरस से होता है और एयर और वाटर से फैलता है पोलियो से बचाया क्या बचाव का उपाय क्या है हम सबसे पहले पोलियो की वही वैक्सीन लगवा लें दो बूंद जिंदगी के पी लें और पोलियो से ज़िंदगी भर बचाव रखें मलेरिया अब देखिए ये सब मले ये सब बैक्टीरिया वायरस की बीमारी हो गई अब मलेरिया कैसी बीमारी है मलेरिया प्रोटोजोवा से फैलती है और ये कैसे फैलती सब है सब लोग जानते हैं ना तो मलेरिया कैसे फैलता है मच्छर के काटने से तो मच्छर के काटने से क्या होता है एक प्रोटोजोवा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और क्या फैलाता है मलेरिया ठीक है अब इससे बचाव का उपाय ये है कि हमें मच्छर न काटने पाए तो मच्छर न काटने के ही सारे बचाव करिए यूज़ ऑफ मा यूज़ ऑफ मॉस्कीटो रिपेलेंट्स एंड नेट्स यानी मच्छरदानी में सोइए या कछुआ छाप जलाइए कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्कीटोज बाई इंसेक्टिसाइड्स जहाँ मच्छर पैदा हो सकते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता है तो पानी न इकट्ठा होने दीजिए या इंसेक्टिसाइड्स डालिए डू नॉट अलाउ स्टेग्नेंट वाटर टू कलेक्ट गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने दीजिए जिससे मच्छर ही ना पैदा हो तो ना मच्छर पैदा होगा ना काटेगा और ना क्या होगा मलेरिया होगा चलिए पैथोजेंस इंटर द बॉडी पैथोजेंस इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन थ्रू अब देखिए हम लोग देखे थे ना कि मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या क्या था जैसे मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन हम लोग देख लिए थे ना यहाँ पे क्या है फूड है वाटर है यानी खाने पानी से एयर से यानी हवा से मॉस्किटो से कॉन्टैक्ट से यानी ये कहीं से भी आ सकते हैं तो इनसे बचने के लिए एक तो सबसे सही तरीका ये है कि वैक्सीन लगवा ली जाए और उसके बाद भी इनसे बचाव के तरीके क्या हैं ये देखिए पैथोजेंस इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन थ्रो एयर वाटर एंड फूड पैथोजेंस पैथोजेंस के मतलब हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बै जो क्या करते हैं बीमारियाँ पैदा करते हैं डिजीज क्रिएट करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है पैथोजेंस तो पैथोजेंस इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन एक स्वस्थ शरीर के मनुष्य में पैथोजेंस आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं थ्रू माध्यम से किसके एयर यानी हवा से आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं वाटर यानी पानी से आ सकते हैं और किससे आ सकते हैं खाने से आ सकते हैं तो हवा से पानी से खाने से मतलब कहीं से भी ऐसे बैक्टीरिया वायरस कुल मिला के ऐसे जीव हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं तो हमें जो सांस लेनी चाहिए जो हवा है वो साफ़ रहनी चाहिए जो हम पानी पीते हैं वो साफ़ रहना चाहिए और जो हम खाना खाते हैं वो साफ़ रहना चाहिए इसीलिए कहा जाता है घर में कि जो भी आप फ्रूट खाएं उसको क्या करें अच्छे से धो लें ठीक से वॉश कर लें उसके बाद ही खाएं क्योंकि वॉश करने से ये सारे माइक्रोआरगेन निकल जाएंगे इसके अलावा पानी को क्या करिए पानी को बॉयल करके पीजिए उबाल के पीजिए या फ़िल्टर वाला पानी यूज़ कीजिए और हवा हवा के ऊपर तो हमारा कंट्रोल है नहीं लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि खूब ढेर सारे पेड़ लगाएं अपने आसपास पेड़ रहे तो पेड़ वैसे ही हवा को साफ कर देगा तो हम इन सारी बीमारियों से बचे रहेंगे दे कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी वन अब हवा पानी और खाने से तो आ ही सकते हैं उसके अलावा और कहाँ से आ सकते हैं दे कैन ऑल्सो स्प्रेड वो यहाँ से भी फैल सकते हैं कहाँ से एन इन्फेक्टेड पर्सन किसी एक बीमार आदमी से किसी एक स्वस्थ आदमी में भी फैल सकते हैं तो हवा पानी खाना साफ रखिए बीमार आदमी से थोड़ा सा दूर रहिए या उससे आप जब मिलने जा रहे हैं तो बचाव लगाए रखिए एक मास्क लगा के जाइए ठीक है मास्क ऐसे आजकल देखिए सब लोग मास्क लगा के चल रहे हैं ना आप लोग भी मास्क लगा के रहा करिए जब किसी टी बी के मरीज से मिलने जाइए तो मास्क लगाए रहिए दे मे ऑल्सो भी कैरीड थ्रो एन एनिमल वो जानवरों से भी आ सकते हैं तो जो जानवर रहते हैं उनसे भी बैक्टीरिया वायरस ये सारे माइक्रोब्स हमारे शरीर में आ सकते हैं तो आपको बहुत सावधानी से रहना है डिज़ीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्राम वन पर्सन टू तो अनदर थ्रो एयर ठीक है डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड बीमारियाँ जो फैल सकती हैं फ्राम वन पर्सन यानी एक आदमी से टू अनदर दूसरे में थ्रो के जिससे किससे एयर यानी हवा वाटर यानी कि पानी फूड यानी कि खाना एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट्स और वास्तविक रूप में छूने से बीमारियां फैल सकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है कम्युनिकेबल यानी छुआ छुआछूत की बीमारियां जो छूने से फैल सकती हैं हवा से फैल सकती है पानी से फैल सकती है खाने से फैल सकती उन्हें क्या कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आर मीजेल्स अब उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्या मीजेल्स कॉमन कोल्ड यानी सामान्य सर्दी अक्सर आप लोग देखे होंगे कि आपको सर्दी हो जाती है ठीक है वो सारी क्या है कम्युनिकेबल डिजीज है एक लोग को जुकाम हुआ उनके पास कोई खड़ा था उसको भी जुकाम हो गया इसी तरह ही क्या हुआ ये जुखाम की सीरीज बढ़ती चली गई इसके अलावा चिकन पॉक्स ट्यूबरकलोसिस टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है एटसेट्रा यानी ये क्या है ये ऐसी बीमारियां हैं जो छूने से फैलती हैं हवा से फैलती हैं पानी से फैलती हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस ठीक है तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा जिसको नहीं समझ में आया है वो फिर से रिपीट करके देख ले और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो स्कूल में कांटेक्ट कर ले आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए इस लॉकडाउन के दौर में और क्या करिए बचाव में रहिए देखिए आप लोग माइक्रोआर्गैनिज़म से होने वाली बीमारियां भी पढ़ लिए ना तो कोरोना भी क्या है कोरोना भी एक वायरस है और ये कैसी बीमारी है ये एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है कोरोना क्या है वायरस से होने वाली बीमारी है और आपका बीमारियों वाला चैप्टर भी चल रहा है तो आप उससे बचाव में रहिए उससे बचाव का तरीका वही है मास्क लगा के रखिए फिजिकल कांटेक्ट से बचिए आइसोलेशन में रहिए तो सुरक्षित रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ आज की क्लास चलिए फिर यहीं तक कंप्लीट करते हैं आगे नेक्स्ट चैप नेक्स्ट क्लास में हम इसको इसके आगे देखेंगे तब तक के लिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए इन सारी जो आज आप लोगों ने मेथड पढ़ा है इनको फॉलो करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए चलिए थैंक यू